रुद्रपुर में राम भक्तों ने चामुंडा मंदिर में सुंदरकांड के साथ पूजित अक्षत घर घर वितरण का कार्य शुरू कर दिया है। वहीं अक्षत वितरण कार्यक्रम के जिला अध्यक्ष मुकेश पारिकर ने कहा कि अक्षत वितरण घर घर में होगा। बता दें कि 22 तारीख को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। इस दिन पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाना चाहिए, साथ ही हर घर में राम ज्योति नाम का दीपक जलाकर समाज एक साथ सम्मिलित होकर राम जी की प्रथम आरती को एक साथ करें। रुद्रपुर से मुकेश मंडल की रिपोर्ट। जब प्रभु श्री राम मंदिर का निर्माण होना शुरू हुआ था तब सभी हिंदू परिवारों से सहयोग गया था। उसी के निमित्त श्री अयोध्या जी धाम से सभी हिंदू परिवारों के लिए पूजित अक्षत आए हैं। दिन अक्षतों को वितरित करने का हम लोगों को सौभाग्य प्राप्त हुआ है। 22 तारीख को हम सबको जैसा विदित है कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा है और श्री राम लला की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। इसके लिए पूरे देश के अंदर दिवाली का पर्व मनाया जा रहा है। हम लोगों को सबको सौभाग्य मिला है कि राम मंदिर में अपना योगदान देने के लिए, जो कि अक्षत वितरण हम वार्ड नंबर 9 में घर घर जाकर कर रहे हैं। हम जो हैं बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमारे पिता के पिता बाबा दादा सब इस राम मंदिर के लिए लड़ लड़ के खत्म हो गए, लेकिन आज हम बहुत बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमको आज ये दिन देखने को मिला और हमारे शुभ हाथों से और ये अक्षत वितरण करने का सौभाग्य मिल रहा है। 500 वर्षों के तपस्या, त्याग, बलिदान, अनेकों अनेक ऐसे अनाम लोग जो इस राम मंदिर को जो अब स्थापित होने जा रहा है, अनेकों अनेक बलिदान हुए, कितने कितने परिवार इसके अंदर आहुति चढ़ गए, तो आज ये बहुत ही तपस्याओं के बाद हमें अवसर प्राप्त हुआ है कि हम श्री राम मंदिर जो बनने जा रहा है अयोध्या जी में उसके एक साक्षी बन रहे हैं। तो उसी के संदर्भ में जो ये अक्षत वितरण कार्यक्रम हर घर में हो रहा है,